इंडिया अखबार मैगजीन एयरलाइंस के नाम से इन दिनों अधिक पहचाना जाता है, लेकिन बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि कई साल पहले सहारा इंडिया ने नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में काम शुरू किया था। इस नॉन बैंकिंग सहारा इंडिया कंपनी में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा को नौकरी दी गई थी, जिन्हें कलेक्शन एजेंट के रूप में काम दिया गया था। यह कलेक्शन एजेंट बाजार में जाते थे और दुकानदारों और गरीबों का डेली डिपॉजिट मंथली डिपॉजिट का खाता खुलवाया जाता था। उसी दौरान सैकड़ों लोगों ने सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग कंपनी में 50,000 से लेकर लाखों रुपए की एफडी भी करवाई थी। साल दर साल गुजरते गए पब्लिक के पैसों से सहारा इंडिया नामक नॉन बैंकिंग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। उसके मालिक सुब्रतो राय ने सहारा इंडिया नाम से एयरलाइंस शुरू किया, फिर न्यूज़ चैनल शुरू हुए और अखबार और मैगजीन भी शुरू की गई। पब्लिक के पैसों से सुब्रतो राय और उनकी कंपनी सहारा इंडिया बहुत बड़ी फर्म के रूप में विकसित हो गई। लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले निवेशकों का पैसा डूब गया। सालों गुजर गए, लोगों को इस कंपनी में जमा किया हुआ पैसे का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ। यहाँ के कर्मचारियों को 3-4 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। कर्मचारी जब भी पैसे का भुगतान मांगते हैं तो कंपनी कहती है कि जिन खाताधारकों का पैसों की मैच्योरिटी हो गई है उनसे कहो कि फिर से निवेश कर दो, लेकिन पैसा वापस नहीं लौटाया जा रहा है, ना ही कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। इस बात से आक्रोशित कर्मचारियों ने रीजनल कार्यालय में धरना दे दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सहारा इंडिया को पब्लिक का पैसा लौटाना ही होगा और उनकी सैलरी भी देनी होगी, नहीं तो वह अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जी भैया, आज हम सभी सहारा इंडिया के कार्यकर्ता रीजन ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाके कस्टमरों से मेम्बरों से 10-10 रुपए करके 20-20 रुपए करके किसी की एफडी, किसी का 1 लाख, किसी के 50 लाख, ऐसे हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कराया सहारा इंडिया में। विगत 8 से 10 सालों से सहारा इंडिया से हम लोग को भुगतान 1 रुपये नहीं दिया जा रहा। यहाँ के कर्मचारी एसी रूम में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं और हम लोग रोड में घूम घूम के भी दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि कस्टमर हम लोग के ऊपर भी जानलेवा हमला करने के लिए आमादा है। हम लोग बहुत विवश हैं, क्योंकि हम लोग को ना यहाँ से सैलरी मिल रही है, ना 1 रुपये कस्टमर का भुगतान मिल रहा है। हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, रोड में आ चुके हैं। हम लोग के परिवार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई इस सब के लिए हम लोग को भटकना पड़ रहा है। हम आज सभी 1200 के कार्यकर्ता यहाँ रीजन कार्यालय में बैठ के अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जब तक हम लोग की मांगे पूरी ना होगी, क्योंकि हम सभी का भुगतान, हर कस्टमरों का भुगतान चाहिए। क्योंकि जितने कस्टमर हैं, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि हम लोग उनसे ज़्यादा के घर से पैसा लाए हैं, हर कस्टमर के घर से पैसा लेकर आए हैं, तो वो हम लोग को जानते हैं कि आप अपने पास से दो पैसा, हम लोग के पास भी इतना पैसा है नहीं कि हम लोग अपने पास से दे सके। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि वहाँ से केस चल रहा, केस क्लियर होगा तब आएगा, आपका फंड दिया जाएगा। तीन महीने से परेशान किया जा रहा हम लोग को 4-5 साल से, और कस्टमर डायरेक्ट बोलता है कि एजेंट आप अपने जेब से पैसा दो। हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम लोग अपनी जेब से पैसा दे सके। जितना हम लोग से बना, हम लोग कस्टमरों के हित के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहे। अब हम लोग के सर के ऊपर से पानी हो चुका है, क्योंकि कस्टमर हम लोग को आज मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर में आकर अभद्रता करते हैं, जिसको हम लोग सहन नहीं कर सकते। आपका नाम बताओ? मैं लक्ष्मण चौधरी, 1200 का कार्यकर्ता हूँ। लक्ष्मण चौधरी, यहाँ धरना धर रहे हैं सिर्फ भुगतान के लिए। हम लोग को 2-3 साल से भुगतान मिला ही नहीं रहा। ये टाल के बोला जा रहा है इसको री इन्वेस्टमेंट कर दो, आगे जाके आगे बढ़ा दो, उसके बाद भी 1 रुपया नहीं दिया जा रहा। सिर्फ पेवेल में भी डाला, उसका बाद भी पैसा नहीं दे रहा बोले, और उसके बाद भी अभी भी ये बोला जा रहा है कि और आगे बढ़ा दो, इसको पैसा है नहीं भुगतान करने के लिए। 5 साल से भुगतान बिल्कुल नहीं दे पा रहे इन लोग। हम लोग की जाना ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आदमी धमकी दे रहे हैं घर से उठवा लेंगे, ये कर लेंगे। मेरा नाम दिनेश पासा हूँ। मैं मुकेश केसरवानी, 1200 कार्यालय का कार्यकर्ता सहारा इंडिया का। विगत काफ़ी समय से भुगतान की समस्या चल रही है, जो कि आज भी भुगतान नहीं हो रहा है, और हम लोग ने बार बार इनसे निवेदन किया है, किसी के घर में शादी है, कोई हॉस्पिटलाइज है, उनको भुगतान दिया जाए, उसमें भी ये सुनना ही नहीं रहे हैं, किसी भी प्रकार से सुनना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, और ऑफिस कार्यालय में भी स्टाफ बैठने को तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब क्या चाहते हैं आप? भुगतान चाहते हैं मेम्बरों का। मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, यही बैठ के घेराबंदी करेंगे, तालाबंदी करेंगे। ठीक है, आपका नाम बताएं? मुकेश केसरवानी।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।